शिवराम। तो मैं आई हूँ आज अपनी मम्मी के घर, और आज मेरे पापा के नाम से पत्तल निकलने वाली है, मतलब पापा का श्राद्ध कर रहे हैं आज। और जी मैंने आपको दिखाई थी वो मेरे ससुर जी के नाम पे श्राद्ध किए थे, आज पापा जी के नाम पे श्राद्ध कर रहे हैं। मेरे पापा को गए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। अभी कोरोना के पीरियड में उनकी डेथ हुई थी। एक समय था कि हम उनके साथ बैठ के दादा दादी का नाम से पत्तल निकालते थे, आज ऐसा समय आ गया है कि आज उनके नाम की पत्तल निकाल रहे हैं हम। दुख तो बहुत होता है लेकिन क्या करेंगे अब। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। तो भाभी बना रही है ये पलस के पान के पत्ते की पतराली, इस पे पापा के लिए खाना रखेगी। पापा, दादा, दादी और इतने पत्तों में हो जाएगा भाभी? पांच पत्तर बना लेना। मैं अभी आ रही हूँ, अभी डेढ़ अभी एक बज रहे हैं। मुझे भी घर के काम वाम करके आना पड़ा, रिद्धि के पापा घर पे ही थे यार, तो थोड़ा लेट हो गया मुझको आने में। मेरी छोटी सिस्टर अभी आने की है, वो भी उसको भी दो बजेंगे मेरे ख्याल से आने को, क्योंकि उसकी भी बच्चे की स्कूल है। तो देखती हूँ मैं क्या काम बाकी है, कितना काम मम्मी ने करके रखी है। भाभी क्या क्या बनाया? भाभी ने चावल, खीर, कढ़ी। और इसमें चावल है, इसमें खीर है, खीर भी हो गई है, ये मिक्स वेज है, एक कढ़ी हो गई है, ये भजिया है, और ये बड़ा है, ये बड़े बड़े के लिए है। आटा भी हो गया, पूरा ही काम हो गया खाने का, तो सिर्फ पूड़ी तलना बाकी होगा। भाभी ने पूरा ही खाना बना लिया है, कुछ बचे ही नहीं है, सिर्फ रोटी और पूड़ी करनी है। तो अभी भाई भी नहीं है मेरा, जो कि उसी के हाथ से होना है श्राद्ध। और मेरा भतीजा भी नहीं है, वो भी स्कूल में है, लड्डू, वो भी आएगा, उसके भी ज़रूरी है, वो भी साथ में रहे। तो मेरे ख्याल से 3 बजेंगे। हाँ, क्या बोलते? लड्डू के हाथ से करा देंगे। हाँ सोनू, मेरा भाई अगर से नहीं आ पाया तो लड्डू के हाथ से करवा देंगे हम श्राद्ध। खैर मैं तो नाश्ता करके आई हूँ, मुझे मालूम था लेट होगा करके, क्योंकि डॉली भी लेट आने वाली है ना। तुम लोग के कारण से लेट कर रही, नहीं तो हम जल्दी कर लेते। सोनू नहीं है ना, हम लोग का तो मैटर ही नहीं आता, सोनू को श्राद्ध करना है ना। हम लोग तो वो क्या नाम से, हमारे हाथ तो ना चलेंगे पप्पा को, वो तो करेंगे हम बाद में, लेकिन पहले तो सोनू के हाथ से देना पड़ेगा ना। सोनू तो भरोसा नहीं है, सोनू ने पहले बोल, सही है ना? उसकी भी ड्यूटी जरूरी है, क्या करेंगे। भजिए बड़े बन गए, गुलगुले बन गए, गुलगुले बन गए, भजिए बड़े गुलगुले। बैठ के तल रही है मम्मी, गोली बना देती। मैं पूरी बेल के देती हूँ मम्मी को, मम्मी पटपट निकाल देंगी, खाना पूरा बन गया है। तो आ गया है मेरा भाई आधी ड्यूटी करके, हाफ डे करके, और इसने जलाया है ये कुंड, इसमें होंगी अभी अग्नि। अभी लड्डू भी स्कूल से आ गया है, अभी दोनों भी श्राद्ध करेंगे। भैया हाँ, कुंड साफ नहीं करते रहे मेरे यहाँ। धामन बैंडेड कैरेट था, पगला बैंडेड कैरेट का दाग के दे गूगल पे, वैसे पट्टियां रहती आड़ी आड़ी उसके ऊपर, बहुत जहरीला सांप रहता है वो, पट्टियां नहीं थी उसकी। दूर रहना बाबू, दूर रह बेटा, दूर रह। तुम्हारे घर पे आ का आया था? हां, सांप आया था, सांप सांप आया था, सांप। मैं क्या कर ले हो ये चल रही है पत्तल करने की तैयारी। सभी के घर के अलग अलग नियम रहते हैं, मम्मी के घर का थोड़ा अलग है, मेरे ससुराल का अलग है, सही है। भाई भाई भाई। आ नहाया तू? तू नहाई थी क्या? आई लग नहीं रही है। नहाती वैसे लगती है, अच्छे से घसा कर।
वो जिसमें कपड़ा नहीं घसेगा पत्थर में। वाह वाह, उसमें अपने मुंह कर दिया पत्थर में बड़ा। ये देखो मेरे भाई के कितने अच्छे बाल हैं, हेयर स्टाइल देखो इसके। वाह वाह, मूंछी देखो, बहनों से ज्यादा बाल है। वाह वाह, इसी में चाहिए बस, इसी में चाहिए। ये छोटा ठाकुर, जा सामान लेकर आ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जा थोड़ा बहुत भाभी की मदद कर। जो ये निकल गई पत्थर अगरबत्ती खोसने का था ना, देख लड्डू आ बेटा, इधर आ, इधर आ बेटा, क्या कर रहे था दादा को, आ इधर आ, इधर इधर से ऐसिया ऐसिया, हो जा इधर, हो जा इधर, बस बैठो नीचे नीचे बैठो, दोनों हाथ निकालो, हाथ से थोड़ा सा निकालो, बस नीचे डालो। दादाजी बोलो, दादाजी बोलो, दादाजी थोड़ा 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 सा, इधर पानी ले, पानी ले, हाथ में ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा पानी घुमा दो, बस हाथ जोड़ दे, आ जाओ इधर, इधर आओ, ऐसे आप ढोक दे दे, अरे हनुमान जी सामान बैठते हैं तो मेरी बहन अभी आई है, बहुत लेट हो गई। हाँ इन लोग खाना खा रहे हैं और मैं खाना परोस रही हूँ, खाना कम खा रहे हैं, मेरे को ज्यादा हिला रहे इन लोग। ओके फाइन, ए भैया तुझे कुछ होना क्या, मांगेगा तो लाके नहीं दूंगी। मम्मी मम्मी, मेरा भाई है, ये मेरा पैर दबा रहा है, पैर पड़ पैर दबा नहीं रहा, ये मेरी पिंडली जम जम के दबा दिया। क्या कर रहे हैं, उसके तरफ देखने लगी तो ढीला कर, ये बताओ ये बेटा है बाप का बॉडीगार्ड। ताकि दोबारा कोई बोले इतने दबाने को, है ना। दोबारा मम्मी बैट लेकर आई है, हाँ मम्मी दो, मम्मी एक आधी बैट दो, दोनों बाप बेटे को। मम्मी देखो मम्मी फिर से दबा रहा, अच्छा दबा देखो मम्मी, देखो मम्मी हाँ मम्मी बीच में आ रही है। बज रहे हैं रात के 8:30 और इन लोग की मार कुटाई पिटाई
सब चल रहा है, मैं बहुत एकदम परेशान हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, ठीक है? ये बाप बेटों ने बहुत आतंक मजा के रखे है, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ अपने घर। ये बुआ कौन सी है? रिकॉर्डिंग कर रहा शुरू है। देखो बाल बाल कटा हुआ इंसान का मन, हाँ स्टाइल में गया बस ये। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। जय सियाराम।